इलेक्ट्रिक मोटर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है और कुछ नहीं। यह एक छोटा सा सर्किट है जिसमें बल्ब जल रहा है और सिंपली इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है। यही इलेक्ट्रिसिटी जब मोटर में एंटर करती है तो मोटर को रोटेट करवाती है। चलो इस सिंपल से सर्किट को ही इलेक्ट्रिक मोटर के सर्किट में कन्वर्ट करके देखते हैं। इस बल्ब को जलने के लिए इसका सर्किट पूरा होना जरूरी है। यदि कहीं से भी वायर ब्रेक हो गया तो बल्ब काम नहीं करेगा, और वायर के बीच में कनेक्शन बनाने का और ब्रेक करने का काम स्विच का होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है। यदि हम बैटरी की डायरेक्शन को बदल दे तो करंट का फ्लो भी बदल जाएगा। यहाँ पर बल्ब तो दोनों ही केस में जल रहा है, लेकिन बदलाव हुआ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने का। तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बदलाव को कहीं पे काम में ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, पर इससे पहले हम समझ लेते हैं मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। यह है परमानेंट मैग्नेट। इसको परमानेंट मैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह 24 आवर अवेलेबल रहता है और एक डायरेक्शन में अलाइंड रहता है। हमको अच्छे से पता है कि मैग्नेट के ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यदि हम इस मैग्नेट को स्पिन करवाएं और इसके पास में यदि किसी दूसरी परमानेंट मैग्नेट को सेट कर दे, तो जब दोनों मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो यह परफेक्टली अलाइंड हो जाएंगे एक प्रेमी जोड़े की तरह। लेकिन हम इनके बीच में विलन बन के उतर जाएंगे और जैसे ही ये अलाइन होंगे तो हम तुरंत इधर वाली मैग्नेट की पोजीशन बदल देंगे और सारा मूड खराब कर देंगे। और जब दोनों नॉर्थ पोल सामने आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यह दोनों ऑपोजिट फिर से अट्रैक्ट करेंगे, और फिर हम ऐसे ही साइड मैग्नेट की पोजीशन बदलते जाएंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? मोटर तो बहुत फास्ट रोटेट करती है, तो हम बार बार मैग्नेट नहीं बदल सकते। इसके लिए हम एक बहुरूपीय को बिठा देते हैं जो कभी भी अपना जेंडर बदल लेता है, और इस बहुरूपीय को बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। यदि हम किसी आयरन के रोड पर वायर को इस तरीके से लपेट कर उसमें सप्लाई दे तो यह एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होंगे। लेकिन इस मैग्नेट की खास बात यह है कि यदि हम इस बैटरी की डायरेक्शन बदलते हैं तो करंट की डायरेक्शन के साथ में इसके पोल की डायरेक्शन भी बदल जाएगी कुछ इस तरीके से। यदि इस रोटेटिंग मैग्नेट की जगह इस टेम्परेरी मैग्नेट को रखकर सप्लाई देंगे तो इसमें पोल क्रिएट होंगे, और जैसे ही साइड वाली मैग्नेट के साथ में यह अलाइंड होगी तो हम इसकी सप्लाई बदलकर नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ बना देंगे। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने ही एसी मोटर की खोज की थी। इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। यहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप निकोला टेस्ला बुक समरी को कुकू FM पर ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो, और निकोला टेस्ला के और भी बहुत शानदार इनोवेशंस के बारे में जान सकते हो। कुकू FM इंडिया का बहुत ही शानदार लीडिंग ऑडियो सॉफ्ट प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप और भी बहुत सारे साइंटिस्ट की बुक को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो, वह भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। यहाँ पर 4000 घंटों से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट 250 यूजर्स को मेरा कूपन कोड LDA50 यूज करने पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और एक साल की कॉस्ट 399 से 199 रुपीज हो जाएगी। जब टेम्परेरी मैग्नेट इस पोजीशन पर होगी तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सेम पोल रिपेल करेंगे और ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। बस हमने मोटर का ऑलमोस्ट सर्किट तैयार कर लिया है। यदि हम साइड में एक और मैग्नेट सेट कर दे इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो दोनों मैग्नेट मिलकर काम करेगी और बीच वाली टेम्परेरी मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगी रोटेट करने के लिए। लेकिन मोटर में साइडों में दो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट रखी होती है, और बीच में इस आयरन रोड की जगह कॉपर वायर के लूप बनाए जाते हैं जिसको आर्मेचर बोलते हैं। यदि हम इस लूप में सप्लाई देंगे तो यह लूप मैग्नेट के पोल क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। जब मैग्नेट रोटेट करके ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में अलाइन हो जाएगी तो हम मैग्नेट की डायरेक्शन बदल देंगे और इस तरीके से लूप रोटेट करने लग जाएगा। लेकिन लूप की सप्लाई बदलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक डिवाइस यूज में ली जाती है जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कॉइल के दोनों साइड से कनेक्टेड रहता है और बीच में से सेपरेट रहता है कुछ इस तरीके से, और कम्यूटेटर को सप्लाई करता है ब्रशेस। ब्रशेस कम्यूटेटर की बॉडी पर टच रहते हैं, और जब कम्यूटेटर रोटेट करता है तो यह घिस जाते हैं, इसलिए इनके पीछे स्प्रिंग होती है जो कम्यूटेटर के ऊपर प्रॉपर फोर्स लगा के रखती है।
जब करंट फ्लो शुरू करता है तो कम्यूटेटर की एक साइड से करंट एंटर होता है और दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। जब आर्मेचर रोटेट होकर ऑपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो उस टाइम दोनों तरफ के ब्रश कम्यूटेटर पर अपनी साइड बदल लेते हैं। जब ब्रशेस कम्यूटेटर की इस साइड में टच होते हैं तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करता है और जैसे ही ब्रश की साइड बदलती है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो करने लग जाती है। इस तरीके से कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन बदलकर टेम्परेरी मैग्नेट के पोल बदलता रहता है और आर्मेचर रोटेट करता है। यहाँ पर एक सिचुएशन और क्रिएट होती है जब ब्रश दोनों साइडों के बीच की पोजीशन में होता है और कम्यूटेटर की दोनों साइडों में टच रहता है। इस कंडीशन में करंट दोनों साइड से ही फ्लो होता है और कुछ हिस्सा ब्रश का हवा में रहता है जो दोनों ही साइड को टच नहीं करता है, तो करंट एयर के थ्रू ब्रश से कम्यूटेटर में जाता है। इसलिए घर में ग्राइंडर मिक्सर को आप चलाकर देखना, उसके कम्यूटेटर में आपको स्पार्किंग होती दिखाई देगी। जब ब्रश अपनी साइड बदल रहा होता है तब कम्यूटेटर के दोनों सेगमेंट को टच रहता है। यहाँ पर आर्मेचर रुक भी सकता है, इसलिए हम कम्यूटेटर में एक सेगमेंट बनाकर एक कॉइल और ऐड कर देते हैं। पहले ब्रश इन दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी। जैसे ही ब्रश अगले सेगमेंट पर आएगा तो यह वाला लूप ऑफ हो जाएगा और यह वाला ऑन हो जाएगा। इस तरीके से कम्यूटेटर लूप्स की डायरेक्शन बदलता जाएगा और आर्मेचर रोटेट करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत सारे लूप होते हैं और जितने लूप होंगे उतने ही सेगमेंट में कम्यूटेटर डिवाइड होता जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटर जो मोटर की वाइंडिंग होती है उसकी मिरर इमेज होता है। लेकिन मोटर में इन लूप के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं कुछ इस तरीके से, जिनको हम वाइंडिंग बोलते हैं। बहुत सारे वायर इसलिए होते हैं ताकि यह सभी मिलकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके, और जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही मोटर फास्ट रोटेट करेगी। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में यह दोनों साइड में परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है जो रोटेट नहीं कर रही है उनको स्टेटर बोलते हैं, जो रोटेट कर रहा है उनको रोटर बोलते हैं, जिन पर आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहती है। इन वाइंडिंग के सेटअप को बॉडी में सेट करके मोटर की डिजाइनिंग कर दी जाती है। यह जो हमने मोटर डिजाइन की है यह एक डीसी मोटर है। जो मोटर बैटरी से ऑपरेट करती है वह डीसी मोटर ही होती है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक दिया हुआ है, निकोला टेस्ला बुक समरी को जरूर से सुनना। और भी बहुत सारे मोटर होती है जिनके बारे में आप चैनल पर विजिट करके उनके बारे में समझ सकते हो। थैंक यू।